नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और ये हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें आज हम आप सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की कुछ ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजीज, जिनको आप एज अ बिगिनर यूज करके भी इंट्राडे में अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, जिसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक करनी चाहूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने बिल्कुल लाइव अपडेट किया था कि जो मैं मतलब जो भी डिसीजन लेता हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप देखो किस तरीके से यहाँ पे सुबह में 8:30 मैंने अपडेट किया था कि टीसीएस पे नजर बना के रखना है, क्योंकि इसमें न्यूज बहुत ही पॉजिटिव थी। उसके बाद में 10:16 पे एसबीआई का शॉर्ट मैंने करा, उसकी अपडेट मैंने दी, और यहाँ पे 280 का मेरा टारगेट था, जो कि अगले 4 से 5 में मेरा टारगेट भी हिट हुआ, और अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया। उसको मैं यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं। हालांकि टीसीएस मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, ऑर्डर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेरी एंट्री एंड एग्जिट में काफी अच्छा बेनिफिट आप क्लियर कट यहाँ से देख सकते हो। तो इसके ऊपर भी हम टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज की तरफ चलेंगे। और जो लोग ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, वो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। स्ट्रेटजीज को चलने से पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीसीएस के स्टॉक से। टीसीएस में सबसे पहली चीज जो हमारी स्ट्रेटजी है, तो इस स्ट्रेटजी को जिसको बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी बोली जाती है, न्यूज के ऊपर, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की जब भी मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में अच्छा न्यूज आता है, तो स्टॉक क्या है, ऊपर की तरफ भागता है। और जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो स्टॉक के नीचे की तरफ फॉल होता है। जब नेगेटिव न्यूज आती है, तो हम स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, और जब अच्छी न्यूज है, तो हम स्टॉक को क्या करते हैं, उस दिन के लिए बाय करते हैं, और जैसे ही हमारा जो भी टारगेट जाता है, तो हम उसको सेल कर देते हैं, यानी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये न्यूज हमको कहाँ से मिलेगी? न्यूज आपको सिंपली गूगल से मिलेगी, या फिर सिंपल आप मनी कंट्रोल की साइट को फॉलो करना स्टार्ट करें। वहां पे आपको मॉर्निंग में न्यूज मिल जाती है, किस स्टॉक के लिए अच्छी न्यूज है, किस स्टॉक में क्या हुआ, किस में क्या गड़बड़ चल रही है। तो पहली स्ट्रेटजी है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जिसका रिजल्ट लाइव अपने हाथ में टीसीएस के स्टॉक में दिखाना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि जिस टीसीएस में एक अच्छा न्यूज था, जिसको मैंने चैनल पर भी डाला था, कि 7.2% का इसने प्रॉफिट गेन करा था। बट यहां पे अगर आप देखोगे, जो इसकी क्लोजिंग थी कल 3122, 3122, यानी कि 3122 पे इसने क्लोजिंग दी। नो डाउट स्टॉक को ऊपर तो जाना चाहिए था, लेकिन इस न्यूज की वजह से लोगों में इतना मतलब एक्साइटमेंट आ जाता है कि स्टॉक को मतलब एक यू कैन से कि मतलब जो नहीं होना चाहिए, उस लेवल पे स्टॉक आज ओपन होता है। 3230 के इतना बड़ा गैप के साथ ओपन होता है। तो नो डाउट जब ऐसा कभी होता है, तो मार्केट को तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि गैप तो फिल होगा ना, इतना ज्यादा नहीं। स्टॉक अगर यहां से कहीं स्टार्ट होता, जैसे मान करके चलो 3122 पे ये क्लोजिंग दिया, 3150 से निकलता, तो ये पक्का 3200 तक जाता। लेकिन लोगों में एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी, और उसके बाद में क्या कि बेयर्स इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मार्केट का हाल क्या हुआ कि एकदम से मार्केट कुछ नीचे गया, तो इसी नीचे वाले पे मैंने बाय करा, और इसमें कुछ प्रॉफिट निकाल कर मैं एग्जिट करा, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद में मार्केट में कुछ ज्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलने वाली है नहीं। तो पहली स्ट्रेटजी ये होती न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। लेकिन न्यूज बेस्ड में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार ज्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर कई बार कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आपको लगता है कि स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टॉक गैप के साथ बहुत ही नीचे पहले से ही ओपन होता है, लेकिन देखते ही देखते स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो इस चीज में इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है स्ट्रेटजी, जिसमें हमने बात किया था, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, तो यहाँ पे शॉर्ट में बात करेंगे। सेकेंड स्ट्रेटजी, उसमें क्या करना होता है, मार्केट की हमने फर्स्ट कैंडल देखनी है, 10 या 15 मिनट की कैंडल को देखना है। तो 10 मिनट की कैंडल का हमने क्या देखना है, उसका हाई देखना है एंड लो देखना है। क्या देखना है? हाई एंड लो। तो सपोज टीसीएस का स्टॉक था यहाँ पे, तो हमने टीसीएस का यहाँ पे हाई देखेंगे, फर्स्ट कैंडल 10 मिनट की कैंडल का, तो इसका हाई था 3230, ओके, यानी हाई एंड ओपनिंग दोनों सेम है, और इसका लोवेस्ट पॉइंट था 3150। अब इसमें क्या करना होता है कि जब स्टॉक हमारा हाई ब्रेक कर दे फर्स्ट कैंडल का, तो हम बाय करते हैं, और जब ये लो ब्रेक कर दे, तो हम उसको शॉर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम से ऊपर हिट करके नीचे भी तो आ सकता है, ये फॉल्स सिग्नल भी तो हमें मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। इससे क्या कैसे बचना है, इसमें आपने कोई भी लाइक पहले से कोई ऑर्डर नहीं लगाना है। आपने देखना है
कि अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक कर रही है तो उस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, हमारे आई कैंडल की क्लोज ऊपर होनी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर शॉर्ट करना है तो जिसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ में रेड कलर में होगी वो इसका जो लो है लो को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ इसका क्लोज होना चाहिए। तो दूसरी स्ट्रेटजी यहाँ पे ये है कि हमने 10 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल पे भी कर सकते हो, जितनी बड़ी कैंडल रहेगी उतना आपका रिस्क कम रहेगा, लेकिन जहाँ पे रिस्क की कम रहेगा तो प्रॉफिट भी वहाँ पे कम होने के चांसेस आ जाते हैं। फर्स्ट कैंडल को हमने देखना है जब उसका हाई ब्रेक करके कैंडल क्लोज करे, देन बाय, अगर नीचे वाला लो ब्रेक करके जब वो करेगा तो उसको शॉर्ट करना है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो तो आप इसको इजीली टेस्ट भी कर सकते हो। तो टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हम कल के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूंगा, इसका जो मार्केट का ओपनिंग का कल का था जो हाई था 3098 था, यानी यहाँ पे, और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ अगर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी तो अगर यहाँ पे एंट्री बन रही थी मतलब कि 3100 समथिंग के आसपास, तो उसके बाद में अगर आप देखोगे कि जो स्टॉक था ऊपर आपको 29 यानी अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट्स आपको दे करके गया कल में, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें अगर आप जितने भी इसको बैक टेस्ट करो आपको जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे 70 to 80% यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा जब कभी भी कैंडल का लो ब्रेक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9 बजे इसके जो लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद स्टॉक कितना नीचे गया, कितना प्रॉफिट मिल सकता था आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो उसको भी जरूर से देख लें, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक पूछना, आपको लिंक मैं बता दूंगा। तो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में भी आपको बता दो बहुत ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, एक RSI यूज करेंगे, सेकंड हम यूज करेंगे यहाँ पे MACD। तो सिंपल इज दैट कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडीज में जाकर के इसको MACD लगा लेना है। जिनको नहीं पता ये ज़ेरोधा का इंटरफेस है, अगर आपका ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं हो तो आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट 5 से 10 मिनट का फॉर्म फिल करने के विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस स्ट्रेटजी में क्या चीज़ आपने देखना होता है, एक आपने इसमें RSI को देखना है, क्योंकि बहुत सारी आप स्ट्रेटजीज देखो जहाँ पे लोग सिर्फ RSI बताते हैं या फिर MACD को ही फॉलो करने के लिए बताते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम RSI एंड MACD के कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा रिजल्ट है बहुत एक्यूरेट मिले। हो सकता है हमको स्टॉक्स कम मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आई रिपीट इट अगेन, ये जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अब SBI में चलते हैं, एवरग्रीन स्टॉक है SBI का, तो इसमें इन चीज़ों को अच्छे समझे उसको थोड़ा पॉप आउट कर लेते हैं, तो बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा देखने में आसानी रहेगी, वीडियो भी कुछ लंबी होती जा रही है। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को अभी अभी लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ना सब्सक्राइब करें गलती मत करना। तो यहाँ पे कुछ पहले से यहाँ पे ओके, चलो इसको हम अवॉइड करते हैं। सिंपली सर हमने क्या करना है, RSI में देखिए, RSI में दो चीजें होती है, एक होता है ओवरबॉट जोन, एक होता है ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट जोन वो जोन होता है जहां पे बहुत जारी खरीदारी हो चुकी होती है और वहां से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस होते हैं। ओवरसोल्ड में क्या होता है, जब स्टॉक बहुत ही नीचे गिर चुका है, इतना नीचे गिर गया कि अब इससे नीचे ये नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही उठेगा। तो जो RSI क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हमको यही चीज हमको बताता है, इसका सिग्नल देता है। तो यहाँ पे 70-30 की एक रेशियो चलती है, लेकिन मैं आपको 70-30 को फॉलो करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि मैं उसको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जो मैं वैल्यू फॉलो करता हूँ वो 80 एंड 20, अगर वो 80 को टच कर रहा है, 80 के आसपास है, 80 को ब्रेक कर चुका है तो उसको मैं ओवरबॉट जोन मानूंगा, अगर वो 20 को टच करके 20 को ब्रेक कर चुका है तो उसको मैं ओवरसोल्ड जोन बात करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज जिसको मैं यहाँ पे नोटिस में रखूंगा वो ये कि अगर स्टॉक 80 के आसपास है तो मुझे क्या करना है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि वो स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, अब स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नंबर दो पे अगर स्टॉक नीचे की तरफ 20 को हिट कर गया है तो मैं क्या करूंगा, उसमें बाइंग की पोजीशन देखूंगा कि स्टॉक बहुत नीचे गिर चुके हैं, इससे नीचे गिरने की संभावना इसमें बहुत कम है। SBI के स्टॉक का 10 मिनट का चार्ट लगा, आज के मार्केट का चार्ट है, यहाँ पे RSI हमको यहाँ पे बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे एंट्री मिल गई RSI, यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, तकरीबन 10:15 पे SBI नीचे गिरते जा रहा था, और 10:45 अगर आप देखोगे जो RSI है वो तकरीबन तकरीबन इतना नीचे गिर गया कि 13 के आसपास आ चुका था, और यहाँ पे
क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बाय करने का यहाँ पे अगर सिग्नल मिला तकरीबन देखिए, मतलब मान के 279 के समथिंग के ऊपर बाइंग की एंट्री और सिग्नल मिला, और जिस किसी ने भी यहाँ पे बाय किया होगा यहाँ पे 283 यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला। क्यों? क्योंकि ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था। उसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे करेंगे, सिर्फ आरएसआई को देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आरएसआई यहाँ पे देखिए ओवरबॉट जोन में चला गया था, 80 के ऊपर स्टॉक 85 तक यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, यानी कि इसमें यहाँ पे करेक्शन, ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे करेक्शन की जरूरत थी, हमें नहीं पता था, लेकिन आरएसआई हमने बता दिया आरएसआई ने कि यहाँ से स्टॉक करेक्ट कर सकता है अपने आप को, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे। अगर शॉर्ट करते तो कितना प्रॉफिट मिलता, ये खुद ब खुद आपको चार्ट बता रहा है कि स्टॉक अच्छा खासा नीचे गया। सेम अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, सिर्फ अकेले आरएसआई आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा, लेकिन डबल कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कहा जाता है और ऐसा ये रियलिटी भी है कि जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है थोड़ी सी मतलब लैगिंग होते हैं इंडिकेटर्स एज कम्पेयर टू प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के ऊपर भी हमारी अलग से वीडियोज है, बट एज अ बिगिनर आपको इन तीन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो, फर्स्ट को भी आप अवॉइड कर सकते हो एज अ बिगिनर, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेटजी बहुत ही मस्त स्ट्रेटजी है, स्पेशली जो ये जिसके भी हम अभी बात कर रहे हैं। तो आरएसआई को हमने समझ लिया, एमएससीडी को कैसे समझ लिया, एमएससीडी में क्या होता है, दो लाइन यहाँ पे देखो, एक रेड एंड एक ब्लैक। ब्लैक जो लाइन है वो है हमारी एमएससीडी लाइन, और जो रेड लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है। सिंपल इज दैट, इसमें क्या होता है, जब कभी जहाँ कहीं भी जो हमारी ब्लैक लाइन है रेड लाइन को कट करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमने बाय करना है, जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ कट कर देगी तो हमने शॉर्ट करना होता है, सिंपल इज दैट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख सकते हो, थोड़ा इसको इधर करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ब्लैक लाइन थी इसने रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट किया, और जो स्टॉक है अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया, और यहाँ पे जैसे ही इसने नीचे की तरफ कट किया और यहाँ से हमको सिग्नल मिला कि हम इसको शॉर्ट कर दें, है ना, और शॉर्ट करते हो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के जाता है। इसको अगर आप बैक टेस्ट भी करो किसी भी स्टॉक में करके देखना, आज की आपका काम क्या है कि आपने बैक टेस्ट करना है बहुत सारे स्टॉक्स में इन तीनों स्ट्रेटेजीज को यूज करना, और सेकेंड एंड थर्ड को स्पेशली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्ट्रेटजी आपको बहुत ही कारगर दिखेगी, और यहाँ पे जितना बड़ा ये एंगल बनेगा, एंगल मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पे ये लाइन है और एक लाइन इसको ऐसे कट किया, तो ये जितना बड़ा एंगल रहेगा उतना यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जितना छोटा एंगल है, जैसे यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन छोटा, अभी एंगल ये लाइन इसको ऐसे भी कट कर सकती है, ये लाइन इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, मतलब जितना ये एंगल बड़ा रहेगा उतना यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की तीन बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट किए बिना मत जाना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लास्ट में बस यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है।